तो उसके पहले मैं नहीं चाहता कि ये कोई भी 11-11 आए और अपलोड कर ले, सो इसे एडमिन प्रोटेक्टेड करना है, क्योंकि जैसे लिखा है एडमिन प्रोटेक्टेड ओनली। सो उसके लिए हम वापस चलते हैं ऑथ में, यहाँ एक बना लेंगे एक और फंक्शन, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। ऑथराइज एडमिन, राइट, और ये बहुत ईजी होने वाला है, और इसमें तो बेसिकली इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसिंक फंक्शन नहीं होने वाला है, नॉर्मल फंक्शन होगा। सो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट क्या करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट रोल, उसका रोल अगर एडमिन ना हो तो रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर, मैच कर देंगे, मैसेज में भेजेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट रोल इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स, स्टेटस कोड 403, मैं सर्वर ने डिनाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑथराइज नहीं है। सो अगर एडमिन नहीं है तो ये एरर थ्रो हो जाएगा, राइट, अदरवाइज सिंपली नेक्स्ट कर दो अगले मिडलवेयर पे। सो हमें इसको बस यहाँ ऐड करना है सबसे पहले ऑथराइज एडमिन बस, राइट। अब ट्राई करते हैं दोबारा कोर्स क्रिएट करने की, सो क्रिएट कोर्स सेंड दबाऊंगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी रीडिंग एंड डिफाइन ऑफ रोल, शायद मैं लॉग इन नहीं हूँ। सो अगर मैं मी में जाता हूँ, मी ओके लॉग इन तो हूँ, बट इसके पहले मैं ये भी तो ऐड करना पड़ेगा जो कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में करेगा, तो ये तो मैंडेटरी है, जहाँ जहाँ पे लॉग्ड इन रहना यूज़र उस पर ये ज़रूर देना, अदरवाइज दिक्कत आएगी। सो इसलिए ये, उसके बाद ऑथराइज एडमिन, उसके बाद ये दोनों करते हैं सेंड। सो यू सी यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स, क्योंकि हम नॉर्मल यूज़र हैं, नॉर्मल यूज़र से काम नहीं चलेगा, बट डू लेट्स डू वन थिंग, इसमें चलो इसको चेंज करके हम कर देंगे एडमिन, अपडेट दोबारा करते हैं। सो कोर्स के लिए सक्सेसफुली, क्योंकि अब कर सकता हूँ मैं, बट वापस यहाँ जाते हैं, इसे करता हूँ वापस से यूज़र, अपडेट दोबारा करते हैं। सो यूज़र इज़ नॉट अलाउड अगेन, सो हमने ये भी बना लिया, ठीक है, ओके। सो ये तीनों चीज़ें, एक तो इज़ ऑथेंटिकेटेड इसमें भी ऐड करना है हमें, और यहाँ पे गेट कोर्स लेक्चर में एक चीज़ और ऐड करेंगे कि सब्सक्राइबर्स ही अलाउड है मैच, तो वो भी बनाएंगे मिडलवेयर, बट इज़ ऑथेंटिकेटेड तो इसमें भी आएगा एंड इसमें भी आएगा, एंड इस वाले में ऑथराइज एडमिन भी आएगा, क्योंकि एडमिन ही है सिर्फ जो लेक्चर ऐड कर सकता है, राइट, एंड ऐसे डिलीट के लिए भी होगा, बट तब का तब देखेंगे, अभी लेक्चर अपलोड करने के लिए भी करते हैं, राइट। सो चलो इसमें एड लेक्चर्स, एंड ऊपर से अगर मैं थोड़ा कोड कॉपी करूं, सो ये तीन चीज़ें मैंने कॉपी की एज इट इज़, ये मैं यहाँ पेस्ट करूंगा जहाँ अपलोडिंग लिखा है, फाइल यूआरएल मिल गया ऐसे, फाइल भेज के, और माई क्लाउड से हम अपलोड करेंगे। एक चीज़ और कर देंगे, कॉमा लगा के रिसोर्स टाइप वीडियो, ये ज़रूर पास करना है, राइट, एंड एक कंडीशन है इसमें कि मैक्स वीडियो साइज़ 100 MB, क्योंकि हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं क्लाउड नेट का प्लान, इसमें 100 MB अलाउड है बस, राइट। और अब सिंपली माई क्लाउड डॉट पब्लिक ID एंड ऐसे ही माई क्लाउड डॉट सिक्योर URL जस्ट लाइक दैट, सो ये भी आसान है। अब करते हैं अपलोड, सो इसे क्लोज, और गेट और लेक्चर जो है ये इसका और अपलोड करने का सेम ही है राउट, बस गेट के बजाय पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। सो लेक्चर्स अपलोड करना है इसलिए यहाँ ऐड करते हैं फॉर्म डेटा,
और यहाँ ये भी ऐड कर दो चाहे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फाइल तीनों में से कुछ ना हो तो रिटर्न कर दो एरर, राइट, कर सकते हैं ऐसा। सो सबसे पहले टाइटल यहाँ लिख देते हैं लेक्चर वन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन सैम्पल लेक्चर फॉर सैम्पल कोर्स, एंड फाइनली हमारी वीडियो फाइल, फाइल के नाम से जो कि फाइल होनी चाहिए। सो सेलेक्ट करते हैं वीडियो। सो मैंने 5 सेकंड टाइमर ये वीडियो ऐड किया, सेंड करूँगा। यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेस रिसोर्स, ओके। सो टेम्पररी हम एडमिन बन जाते हैं थोड़ी देर को। नाउ दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। सो वीडियो अपलोड हो रही होगी इस वक्त। लेक्चर एडिट इन कोर्स, ओके। रिफ्रेश करेंगे कोर्स में आके, सबसे फर्स्ट वाला ही है जो लेक्चर्स का है। सो एक तो नंबर ऑफ वीडियोज़ में तुम देख रहे हो 1 आ चुका है, क्योंकि इसमें है एक लेक्चर, टाइटल ये, डिस्क्रिप्शन ये, और वीडियो के अंदर पब्लिक आईडी और उसका यूआरएल। सो कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे, सो विल सी एग्जैक्ट वीडियो आ चुकी है। क्लाउड नाइन पर रिफ्रेश किया तो यहाँ वीडियो भी दिख रही है तुम्हें, ठीक है। सो हम ऐड कर पा रहे हैं लेक्चर्स भी, नाइस। इसको सेव कर लेंगे ऐड लेक्चर्स के नाम से। ओके, सो यहाँ पे आते हैं एंड अब डिलीट रिक्वेस्ट, कोर्स डिलीट करने के लिए। सो उसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है, एक तो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ऑथराइज एडमिन होना चाहिए, एंड अगला बस हमारा कोर्स डिलीट करने का वक्त है। सो टर्न डाउन पहले तो, और जो हमारा क्रिएट कोर्स था उसको कॉपी करता हूँ मैं थोड़ा। क्रिएट के बाद डिलीट रख देता बस नाम, डिलीट कोर्स एंड परम्स आईडी मिल जाएगी हमें। सो आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स है, परम्स से ये क्लोज, ये क्लोज, और ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, कोर्स नहीं मिला तो क्या। और इसमें हम सिंपली दे देंगे रिस्पॉन्स में स्टेटस 200 डॉट जेसन, सक्सेस ट्रू, मैसेज में दे देंगे कोर्स रिलेटेड सक्सेसफुली। राइट, अब और ये कोर्स फाइंड भी तो करना है। सो कोर्स ऐसे फाइंड करेंगे आईडी पास करके। अब ये इतना इजी नहीं होने वाला फंक्शन, इसमें क्या क्या करेंगे, जैसे कोर्स डिलीट करेंगे उसके पहले जो भी उसका पोस्टर रखता है वो डिलीट करना है। सो अवेट क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करनी है क्या चीज़, आईडी पास करनी है। सो हम कर देंगे कोर्स डॉट पोस्टर डॉट पब्लिक आईडी, इसलिए थी पब्लिक आईडी। अब डिलीट हो जाएगा पोस्टर, एंड देन उसके बाद अवेट क्लाउडनरी, ये ऊपर वाली लाइन वापस पेस्ट, एंड यहाँ पे हमें लेक्चर डिलीट करना है तो, लेकिन उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा हमें। सो फॉर लूप आई, जिस पे लूप चलाना है जो हमारा कोर्स है, कोर्स और लेक्चर्स पे बेसिकली, उस तक लूप चलाना है। एंड ये यहाँ पेस्ट एलिमेंट मिल गया, या लिख दो मैं नाम सिंगल लेक्चर ताकि ईजिली समझ में आए, एक एक लेक्चर मिलेगा उस पर पास करते जाएंगे हम। अवेट क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय, एंड इस ये एक एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। सो इसमें डॉट पब्लिक आईडी पास कर देंगे, और लेक्चर डॉट पब्लिक आईडी क्यों, अगर मैं दिखाऊँ वापस में। सो हमने करा क्या बेसिकली, इसमें मान लो यहाँ पे इस एरे पे लूप किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमने लिखा सिंगल लेक्चर, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें डॉट वीडियो है उसके अंदर पब्लिक आईडी। सो डॉट वीडियो डॉट पब्लिक आईडी, ऐसे करके हम डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरे लूप को, पूरे लेक्चर्स को, ठीक है। एंड देन सिंपली कोर्स डॉट रिमूव और अवेट लगा देना, कोर्स भी ख़त्म, और कर देंगे कोर्स डिलीट सक्सेसफुली, नाइस। ओके, सो यहाँ ऐड करते हैं
डिलीट कोर्स राइट, सो आईडी पास करेंगे बट डिलीट रिक्वेस्ट होने वाली है बेसिकली। सो रिमेंबर हमने गेट लेक्चर्स करा था तो लेक्चर्स मिले थे, एम टी आर ए मिल रही थी, बट अभी एक लेक्चर आ चुका है। सो इसी पे अगर मैं डिलीट रिक्वेस्ट कर दूँ सो कोर्स डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीट कोर्स डिलीट इज सक्सेसफुल रियली। इस पर चलते हैं, ये वीडियो है हमारा पोस्टर है, रिफ्रेश करते हैं और। सो रिफ्रेश करने पे कुछ डिलीट नहीं हुआ, और अगर यहाँ जाते हैं सो यू विल सी ये तो डॉक्यूमेंट हो चुका है, डिलीट हो चुका है वो, नाइस। बट कंट्रोलर में क्लाउडनरी पे कुछ डिलीट नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सो कंसोल करके देख लेते हैं, और पहले तो सारे कोर्सेज डिलीट ही कर देता हूँ मैं, कलेक्शन ही उड़ा दिया पूरा। सो नया कोर्स बनाते हैं, क्रिएट कोर्स, सेंड, कोर्स क्रिएट हो चुका है। सो इसे क्लोज एंड गेट ऑल कोर्सेज करेंगे, सो यू विल सी एक ही कोर्स आया है जिसमें कि लेक्चर्स नहीं है लेकिन पोस्टर वगैरह है। सो आईडी हमने कॉपी की, ये हमने पेस्ट किया, और पहले क्लाउडनरी पे चलते हैं। सो क्लाउडनरी पे जाएंगे, सो यू विल सी ये रहा नया पोस्टर, सेंड किया, कोर्स डिलीट सक्सेसफुली, रिफ्रेश करूँगा उड़ जाना चाहिए, हाँ वो डिलीट हो चुका है, नाइस। तो अच्छा ही पहले के ही है डिलीट करने से पहले के। और टर्मिनल में जाते हैं, सो यू सी यहाँ पे आ चुका है ये, ओके सही काम कर रहा है, मतलब इस बार कंसोल होगी इसे करने के बजाय इसे करते हैं, यहाँ भी देख लेंगे हम क्या दिक्कत हो रही है। सो टर्मिनल अगेन अप, कोर्स अगेन क्रिएट, अच्छा कोर्स डिलीट हो चुका, नाइस। कोर्स क्रिएट, और गेट ऑल कोर्स करके मैं आईडी ले लूँगा, और डिलीट के टाइम पे यहाँ पे गेट कोर्स एक्सेस करूँ तो लेक्चर्स एम्प्टी हैं। सो ऐड लेक्चर में जाऊँगा, यू आर एल ये, और वीडियो पहले ही एडिड है, सो सेंड दबाऊँगा, सो अपलोड होने लगेगी वीडियो, लेक्चर एडिट, गेट कोर्स लेक्चर, लेक्चर एडिट हो चुका है एंड ये को वीडियो आ चुकी है, अब ये डिलीट होनी चाहिए जब मैं डिलीट रिक्वेस्ट पे जाऊँगा। सो इसे सेव एंड गेट कोर्स लेक्चर क्रिएट क्यों कर दिया पता नहीं। एंड गेट करूँगा, सो तुम देख रहे हो ये है, और सेम यू आर एल होने वाला है बट डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट, सो यू सी कोर्स डिलीट सक्सेसफुली, रिफ्रेश करते हैं ये उड़ जाना चाहिए, ओके वीडियो नहीं उड़ी जबकि तुम देख रहे हो आईडी यही है। सो उसका रीज़न है, यहाँ पे हमें रिसोर्स भी बतानी है, सो ये तो सही है, यहाँ पे रिसोर्स बतानी है, रिसोर्स टाइप वीडियो, ठीक है अब काम करेगा। सो अभी एक कोर्स है, इसकी मैं आईडी कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करके देखूँ, टेस्ट करूँ। सो आना एम्प्टी लेक्चर्स आ रहे हैं, ऐड लेक्चर्स में जाते हैं वापस, ये पेस्ट किया, सेंड दबाया, लेक्चर्स एडिट, और ये आ गई हमारी वीडियो, ये डिलीट होनी चाहिए, इसकी आईडी देख लो KM3, ठीक है। सो डिलीट, और पहले तो आया कोर्स नॉट फाउंड, नाइस। अब सही वाली आईडी देते हैं, डिलीट दबाया, डिलीटेड, डिलीटेड होना चाहिए, अब रिफ्रेश करते ये गायब हो जाना चाहिए, नाइस। KM वाला जा चुका है, सो तुम देख रहे हो काम कर रहा है, और ये पहले की एक्स्ट्रा वीडियो है, डिलीट कर देंगे मैनुअली। ठीक है, सो काम कर रहा हमारा डिलीट का भी, सेव करो डिलीट को विद द नेम डिलीट कोर्स, कोर्स डिलीट करना हो तब के लिए, राइट। और ये तो अपना ही कोर्स नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। सो हमारा ये भी हो गया, और ज़्यादातर सारे राउट बन गए कोर्स के भी, डिलीट लेक्चर बचा है बस, प्लस हमें कोई कौन सा लोग नहीं करना है, तो बस करके दिखा रहा था मैं। सो बनाते हैं हम डिलीट लेक्चर का, सो उसका बहुत ईजी होने वाला, सिंपली एक ऊपर से कॉपी कर लेते हैं,
ये वाला कॉपी किया मैंने, लेक्चर रख देता है सीधा, स्लैश लेक्चर, डिलीट रिक्वेस्ट, और यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। और फंक्शन बनाएंगे एक पेस्ट किया डिलीट लेक्चर, यहाँ पास कर देंगे डिलीट लेक्चर, कॉमा नहीं लगाया, सो स्लैश लेक्चर, और फिर इसको बनाना है बस। सो डिलीट लेक्चर्स के लिए हमें ऐसे कोर्स फाइंड करना है, और यहाँ मैं रखता हूँ कोर्स आईडी एंड लेक्चर आईडी, और ये हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से। सो कोर्स आईडी पास करके कोर्स ढूंढ लेंगे, एंड ये लूप की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ मैसेज रख देते हैं लेक्चर रिलेटेड सक्सेसफुली, नाइस। सो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, बहुत सिंपल है, कोर्स डॉट लेक्चर इज इक्वल टू कोर्स डॉट लेक्चर्स डॉट फिल्टर आइटम, एंड इफ आइटम डॉट, तो उसे पता लगा आइटम में तीन चीज़ें हैं, इसके अलावा एक अंडरस्कोर आईडी भी है। सो डॉट टू स्ट्रिंग, ये आईडी मैंने दी, मोंगोडीबी खुद क्रिएट कर देता है। सो जब जब ये इक्वल ना हो, अगर ये इक्वल ना हो किससे, जो लेक्चर आईडी पास किया है उससे, लेक्चर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, तो रिटर्न कर दो आइटम को। सो जैसे हमने पहले किया था, ये तो हमें एयर अपडेट करने को मिल गया। इसके अलावा एक चीज़ वो करेंगे, क्लाउडनरी से भी डिलीट करना है। सो कॉन्स्ट लेक्चर इज इक्वल टू सेम, यही बस फाइंड मेथड लगेगा, फिल्टर भी जाए क्योंकि एयर ही नहीं चाहिए, एंड दिस टाइम करेंगे हम अगर इक्वल हो तो, उस केस में हमें लेक्चर मिल जाएगा बेसिकली। अब लेक्चर का क्या करेंगे हम कि अभी ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ लिखी है, और लेक्चर डॉट वीडियो डॉट पब्लिक आई डी, ये मैंने पूरी लाइन कॉपी नहीं की। सो ये कॉपी कर लेते हैं लाइन एज इट इज़, यहाँ पेस्ट करूँगा, और सिंगल लेक्चर भी है, लेक्चर लेक्चर मिला डॉट वीडियो डॉट पब्लिक आई डी, ऑनलाइन उड़ा दी क्लाउडनरी से, और उसके बाद एरे से भी रिमूव कर दिया। और उसके बाद एक चीज़ और करनी है कि अगर क्रिएट एड लेक्चर में जाते हैं बेसिकली, एड लेक्चर ये रहा, तो तुम्हें पता जैसे लेक्चर ऐड करते हैं उसके बाद ये करते हैं हम लेंथ अपडेट, सो ये इसमें भी करेंगे। उसके बाद अवेट कोर्स डॉट सेव, राइट। नाउ टेस्ट करते हैं इसको, सो चलते हैं गेट ऑल कोर्सेज, अच्छा कोर्सेज ही नहीं है कोई, नाइस। सो ये बनाते हैं जल्दी, हो गया क्रिएट, गेट ऑल कोर्सेज करेंगे आईडी मिल जाएगी। अब लेक्चर ऐड करने का टाइम है, सो लेक्चर ऐड हो गया, या चुका है उसका पोस्टर लेक्चर दोनों। अब क्या करेंगे कि तुमने देखा ही था कि डिलीट कोर्स करते हैं तो डिलीट हो जाता है, अभी सिर्फ करेंगे हम लेक्चर डिलीट, स्लैश लेक्चर डिलीट रिक्वेस्ट, और एज क्वेरी देनी हमें क्या, कोर्स आईडी जो कि है ये, राइट। एंड इसके अलावा एक चीज़ और देनी है, एंड लेक्चर आईडी जो कि हम देंगे कहाँ से, गेट कोर्स लेक्चर करने पे हमें आईडी मिलती है, ये ऑब्वियसली हमें फ्रंट एंड पहले इम्प्लीमेंट कर देंगे, किसी को ऐसे मैनुअली टाइप नहीं करनी पड़ेगी। सो ये लेक्चर की आईडी ये पास करेंगे इसमें। सो तुम देखो क्या दो चीज़ें हैं, कोर्स आईडी और लेक्चर आईडी सेंड करेंगे, सो लेक्चर डिलीवरी सक्सेसफुली। चलते हैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये गायब हो जाना चाहिए, नाइस गायब हो गया। इसमें रिफ्रेश करते हैं, सो यू सी नंबर ऑफ वीडियो ज़ीरो, और लेक्चर भी एम्प्टी हो चुका है। सो ये भी काम कर रहा है, इसको सेव कर लेंगे डिलीट लेक्चर के नाम से, राइट।
और गेट ऑल कोर्सेज करते ही नंबर ऑफ वीडियो 0 आ रहे हैं, और यहाँ करूँगा तो एम्प्टी है, तो ठीक है काम कर रहा है। सो कोर्स का हमारा फाइनली सब कुछ हो चुका है। अब एक काम करते हैं, क्लाउडनरी हमने यूज़र के उसमें ऐड नहीं की थी, वो भी ऐड करेंगे। सो